हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर यूपी में सियासत चरम पर है। एक तरफ सीएम योगी इन मजदूरों के पलायन पर सख्त हो चुके हैं तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की रफ्तार तेज कर दी है। पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो भारतीय राजनीति की आधी हकीकत और आधे फसाने की तस्वीर की तस्दीक करता है। पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले अखिलेश के इस ट्वीट को देख लीजिए जिसमें लिखा है, सरकार का गरीब मजदूरों के प्रति ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण और उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा तो भला किस पर विश्वास करके ये प्रवासी मजदूर वापस काम पर लौटेंगे। अमीरों की इस सरकार ने अब तो श्रम कानून का रक्षा कवच भी छीन लिया है। बिना मजदूर के कोई काम कारखाना कैसे चलेगा, कोई तो समझे। इस ट्वीट को पढ़कर आप क्या मतलब निकालेंगे ये आप जानिए, लेकिन ये जानिए हाथों में डंडा लिए ये प्रवासी मजदूर कहां से यूपी हरियाणा बॉर्डर पर आ गए। कहानी कुछ यूं है, हरियाणा यूपी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर रविवार सुबह शेल्टर होम से निकलकर सड़कों पर उतर आए। ये मजदूर अम्बाला से सहारनपुर जाने वाली रोड पर आ गए। ये मजदूर पैदल ही सहारनपुर की तरफ तेजी से कूच करने लगे। इनमें से कई के हाथों में लाठी डंडे भी हैं। ये मजदूर बिहार जाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों की संख्या में होने की वजह से पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी मची हुई है। सहारनपुर के SSP दिनेश कुमार ने मामले को संभालने के लिए कमान अपने हाथों में ली, खुद मौके पर पहुंचकर मजदूरों को समझाने की कोशिश की। पैदल जाना सोल्यूशन नहीं है। आपके लिए हम गाड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको बता दें कि शेल्टर होम से हजारों की संख्या में मजदूर निकलकर सड़कों पर आकर हंगामा करने को मजबूर हैं। हरियाणा के अंबाला में फैक्ट्रियों में काम करने वाले ये मजदूर काम न होने की वजह से घर जाने की चाह में ट्रक से निकले, लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर ट्रकों से लाकर इन्हें उतार दिया गया, क्योंकि यूपी सरकार ट्रकों की ओर से मजदूरों के आने पर पूरी तरह बैन लगा चुकी है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इसमें असमंजस की स्थिति दिखती है, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। यूपी में अचानक सीमाओं को बंद करने का आदेश देकर सरकार ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। जो लोग बीच प्रदेश में फंसे हैं उनको मारने के लिए पुलिस को मजबूर किया जा रहा है। ज्ञानी लोग क्या ये नहीं जानते कि हमारा संस्कार भूखे प्यासों को रोटी पानी देने का है, ना कि दया करो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि अखिलेश योगी सरकार के एक्शन वाले मोड से खफा हैं या फिर उनके दिल में कुछ और है जो शब्दों के जरिए निकल रहा है।